नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है अंकुरित मेथी पुलाव, जिसमें लगने वाली सामग्री है, एक बड़ा बाउल हमने चावल लिया हुआ है, एक छोटा बाउल हमने अंकुरित मेथी ली हुई है, और एक से दो टमाटर हैं जो छोटे टुकड़े में काटे हैं, तड़के के लिए लिया हुआ है, तीन से चार काली मिर्ची है, दो दो लौंग हैं और दो इलायची ली हुई है, और एक से दो हरी मिर्चें छोटे टुकड़ों में काट ली है, तेज पत्ता लिया हुआ है 2 से 3, नमक लिया हुआ है स्वाद अनुसार डालेंगे, तड़के के लिए जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और मिर्च पाउडर है। शुरू करते हैं उसे बना। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। अब है मेन इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी, अंकुरित मेथी, जिसको एक ओवरनाइट हमने भिगो दिया था, फिर एक दिन इसको हमने बांध के रखा हुआ है। ठंड के टाइम है इसलिए अंकुरित देर से होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, और बांध के रख दिया था तो इसमें देखिए अंकुरित हो चुका है बड़े अच्छे से। तेल गर्म हो चुका है, अब हम जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से भून चुका है, अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, दो इलायची और दालचीनी के टुकड़े, तेज पत्ता डाल देंगे इसमें, और हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हम डाल देंगे इसमें मसाले, हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, एक से दो चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर गल जाएगा तब हम इसमें मेथी डालेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब इसमें नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब इसमें अंकुरित मेथी डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको, ताकि हमारे मसाले मेथी में मिल जाए। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं उसको। अंकुरित मेथी पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, ये सबके लिए एक हेल्दी पुलाव है, आप इसे नाश्ते में ले लें, लंच में ले लें, एक 1 पॉट मील है ये, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है इसमें मेथी, टेस्ट बढ़ जाता है हमारे पुलाव का। जिसे जोड़ों का दर्द है, शुगर है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, शुगर वालों के लिए चावल खाना मना रहता है, लेकिन अगर वो मेथी के साथ चावल खाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट ढक के पका लेंगे,
और हमारा पुलाव तैयार है। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं ताकि चावल नीचे चिपके ना, जले ना। एक बार फिर से मिक्स करके उसे ढक देंगे। चावल हमारे ऑलरेडी बॉईल है, पके हुए हैं, हमें पकाने की ज़रूरत है नहीं। बस मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ढककर। 5 मिनट हम ढक के देखते हुए इसे पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं पुलाव को, देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मेथी पुलाव तैयार है खाने के लिए। आप इसे नींबू के साथ, दही के साथ खा सकते हैं, स्वाद अनुसार जिसके साथ आपको अच्छा लगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। मेरे इस YouTube चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेथी पुलाव आपको कैसा लगा। धन्यवाद।